एक दुखद समाचार जो है, जिला रियासी के सलार डैम पावर हाउस से निकल के आ रहा है। एक व्यक्ति को जो है करंट लगने से मौत हो गई है। और आपको बताएं कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी पहचान मुनीश कुमार नामक व्यक्ति की हुई है। और वो जो है पत्नी टॉप का रहने वाला था और वहाँ पर जो है कार्यरत इलेक्ट्रिसिटी में कार्य करता था और पिछले 4 से 5 साल वहाँ पर कार्य था और मौजूदा समय में वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी में काम करता था। और कुछ उनके साथ जो है कार्य करते थे, उनसे जानते हैं आखिर हुआ क्या था, क्या बात हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रमोद कुमार है जी। क्या हुआ था और कैसे उनकी मौत हो गई मुनीश कुमार? सर इन्होंने जो कोई शटडाउन नहीं लिया था उसको सिर्फ चढ़ा दिया कि आप पोल पर चढ़ जाओ, जो भी है काम जो करना है तो करो। ना इन्होंने सेफ्टी देखी कि उसके पास सेफ्टी क्या है, अर्थिंग ली हुई है या लाइन शटडाउन लिया है या नहीं लिया है, उसको बिना मतलब का ही मतलब चढ़ा दिया उन्होंने सब कुछ। मतलब लाइन चल रही है या कोई शटडाउन नहीं है, कोई अर्थिंग नहीं ली हुई है। तो कैसे शटडाउन लिया नहीं तो फिर उसको कैसे चढ़ा दिया, किसने चढ़ाया? वो सर वही होगा जो मतलब इनका इंचार्ज जो ऑफिसर होगा आगे। अच्छा, तो उनको पता होगा क्योंकि वो गलती ही उन्हीं की है। जब आप पहले अगर इनको चढ़ाते हो या कुछ भी है, पहले आप पूरा कंफर्म कर लो कि हमने शटडाउन लिया है या अर्थिंग हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद आप चढ़ाओ। क्योंकि सर सीधी बात ये है, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस के बंदे हैं, ये हमें नहीं समझते कुछ भी, आप बस काम किए जाओ। अगर इनके पास NHPC के पास इतने अपने परमानेंट बंदे, ये क्यों नहीं चढ़ाया इन्होंने, परमानेंट बंदा क्यों नहीं लगाया वहाँ पे? सेफ्टी के तौर पे क्या दिया गया? कुछ भी नहीं है सेफ्टी के तौर पे, खाली जो भी चीज दी जाएगी वो डुप्लीकेट होती है सर इनकी। दो चार जो मनीष की जो डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट, वहाँ पर उनको क्या सेफ्टी दी गई थी? उसमें सर खाली उसमें सेफ्टी उसकी हेलमेट थी और एक जो सेफ्टी बेल्ट होती है सर वही थी, बाकी और कोई सेफ्टी नहीं थी। ये कब ये वाकया सामने आया था? ये सर मेरे ख्याल सुबह की बात है, मैं तो उस समय वहाँ पे नहीं था, मेरे को ही फोन आया, कोई 11-12 की बात ही है, इसी समय की बात है। तो वो ऊपर चढ़े हुए थे, पता नहीं क्या चक्कर हुआ कि पहले भी वो वहाँ पर काम करते थे, पहले भी काम करते थे वो। अच्छा। पहले खुद कुछ कई बार तो मैं भी चक्कर लगाने, वो मैंने खुद उनको देखा है ऊपर चढ़े हुए कि पोल के ऊपर या टावर के ऊपर जो भी है। लेकिन पहले की ये है कि ऑफिसर जो होते थे पूरा मतलब कि ये करते ही लाइन शटडाउन है या अर्थ लिया उसके बाद ही। लेकिन आज इन्होंने क्या किया क्या नहीं, शटडाउन था कि नहीं था? शटडाउन नहीं था। अच्छा, किसकी लापरवाही आपको लगती है? वही कह रहा हूँ ना, मेन बात हो, आपने लड़के को काम दिया, लड़का चला गया, नीचे क्या वर्किंग है, अर्थिंग है या नहीं है तो NHPC को पता होगा ना, जो मेन एम्प्लॉय है इनके NHPC के पक्के एम्प्लॉय हैं, तो डायरेक्ट अलग तनख्वाह ले रहे हैं, किसी की ले रहे हैं, बंदा मारने के लिए ले रहे हैं वो। उन्होंने लड़के ऊपर चढ़ाया, लड़का पहले भी काम करता था, अचानक से लड़का ऊपर चढ़ा, उसने जनरेटर वो किया, अर्थिंग जो भी किया, लड़के मौके में एक्सीडेंट हो गया। दूसरी बार एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे NHPC के मुताबिक कोई फैसिलिटी नहीं दी गई थी, मौके में ना एम्बुलेंस थी वहाँ पे, ना वहाँ पे कोई वर्कर था, नहीं कोई डॉक्टर, प्राइवेट गाड़ी में बंदे यहाँ लेके आए और डॉक्टर ने हमें मौके में कहा कि उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। एम्बुलेंस क्या कहाँ थी? नहीं, सबसे बड़ा सलाल में सबसे बड़ा डैम बड़ा 690 मेगावाट जो हर बार इंक्रीज होता है, उनको फैसिलिटी वहाँ पे जो सबसे रिस्क भी वहीं पे है और वहाँ पे मौके की एम्बुलेंस नहीं। ज्योतिपुर में हॉस्पिटल है जोरावर हॉस्पिटल, वहाँ एम्बुलेंस 3 रखी हुई है, किसी रखी हुई हो? अच्छा, आपका कहना है कि एम्बुलेंस जो है प्रोवाइड नहीं की गई है ही नहीं वहाँ पे, प्रोवाइड क्या करनी है ही नहीं है वहाँ पे, पावर हाउस में एम्बुलेंस रखी नहीं होती है। अच्छा, नहीं है ही नहीं, कोई डॉक्टर कुछ नहीं है वहाँ पे। चलिए, लापरवाही किसकी मानते हैं आप? NHPC की। अच्छा, मैनेजमेंट की, हमारी, हम तो काम कर रहे हैं, हमें जैसा बोले हम वैसे काम करेंगे। इसका मतलब आपको भी खतरा है? खतरा तो सबको खतरा है सर, ये हमें लास्ट टाइम भी हमने स्ट्राइक की थी तभी हमने सेफ्टी की डिमांड की थी, मगर लास्ट टाइम भी सेफ्टी अभी दी नहीं, जो काम नहीं मिली, नहीं मिली, जो मिल रही है कचरा मेरी डुप्लीकेट, पैसे खा रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे सब मिले हुए हैं, सिर्फ पैसे खा रहे हैं। किस प्रकार की कार्रवाई किसके ऊपर मांग करते हैं? और अभी तो हमने मांग तो कुछ नहीं, हमने क्लेम की बात की अभी सर कि NHPC तरफ और कंडक्टर की क्लेम मिले बेचारे को, गरीब को, अभी 2 महीने पहले से लड़की शादी हुई है। ठीक है, क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था? नाम लड़का मनीश कुमार था, इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा था स्विचार्ड में और खुद का रहने वाला था, खुद का रहने। हाँ, अभी जस्ट 2 महीने, हाँ 2 महीने से पहले शादी हुई है बेचारे की, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, उसके मामा उसके साथ काम करते थे, मामा उसके रो रो के बुरा हाल हो गया। सालों से वो कार्यरत था, 2018 से काम कर रहा है वो, 2018 से काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करता था, उसी का काम करता था। अच्छा, काम का पता है, मगर जो वहाँ पे मेन इंचार्ज है उनको पता मुझे कि अब वहाँ पे रिस्क है, अर्थिंग बंद। ये गलती जो है ठेकेदार की मानती है फिर? ठेकेदार की तो आप ठेकेदार का नाम तो आप ले नहीं सकते, ठेकेदार तो हमें हायर किया, उसको पता है काम तो NHPC करवा रही है नहीं। अच्छा, NHPC को पता है काम कैसे करवाना है, तो NHPC को ये नहीं पता कि काम करवाया कैसे जाता है। अच्छा, और लड़की डेथ हो गई है, अब NHPC की गलती है, ठेकेदार थोड़ी वहाँ मौके में है। आपका साफ तौर से कहना है कि NHPC की गलती है, NHPC की गलती है। आगे क्या मांग करेंगे? मांग, हमने 24 घंटे का उनको टाइम दिया है, पहले उनको क्लेम चाहिए लड़के को पूरा,
पूरा जो भी है कॉन्ट्रैक्ट और एनईपीसी की तरफ से पूरी फैसिलिटी जो हमें दी जाएगी वो चाहिए। एनईपीसी के अधिकारी कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर कोई आया है? सभी आए हैं, अंदर बैठे हैं, अंदर देख रहे हैं। अभी उनका कोई बातचीत अभी कुछ नहीं हुई, पोस्टमार्टम होगा कि नहीं? पोस्टमार्टम अभी हम उनके घर वालों से कोई आएगा तभी होगा पोस्टमार्टम, ऐसे पहले पोस्टमार्टम नहीं होगा। अभी कोई नहीं, बताया नहीं उनको। ठीक है, शुक्रिया, मैं समझ गए। तो आपको बताते हैं कि मुनीश कुमार जो है खुद का रहने वाला था, जो पत्नी टॉप में पड़ता है, और आपको बताएं कि पिछले 2018 से यहाँ पे कार्यरत था और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करता था। और आपको बताएं कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये वाकई जो सामने आया है जिला रियासी के सलाल डैम, जहाँ पर 690 मेगावाट बिजली तैयार होती है, वहाँ पर जो है कार्य था। जो पावर हाउस है वहाँ पर स्विच यार्ड में वो काम करता था, और अचानक से जब उसके यहाँ पर कार्य कर रहा था टावर के ऊपर, और वहाँ पे करंट लगने से जो है उसकी मौत हो गई। और जितने भी यहाँ पर कंट्रेक्चुअल वर्कर हैं उनका साफ तौर से कहना है कि सेफ्टी के नाम पर जो है दब्बा जो है लग रहा है और सेफ्टी नहीं दी जा रही है। और पिछले दिनों में भी इनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया था और मांग यही थी कि सेफ्टी दी जाए, और सारा का सारा जो भी ब्लेम लग रहा है NHPC पे लग रहा है, क्योंकि NHPC को ये नहीं पता कि कार्य किस प्रकार से किया जाता है, ये वर्कर द्वारा कहा गया है। और साफ तौर से मांग यही है कि क्या NHPC को ये नहीं पता था कि वह काम कैसे कराया जाता है। एक मनीष कुमार की अभी जो 2 महीने पहले शादी हुई थी, और जो है पिछले 4 से 5 साल लगातार यहाँ पे काम करता था, और अचानक से आज जो है NHPC की मैनेजमेंट की लापरवाही से जो है मनीष कुमार की मौत हो गई। देखते रहें दैनिक समाचार रियासी।